हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 68 में दे रखा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 60 मीटर हाई बिल्डिंग, कोई 60 मीटर ऊंची बिल्डिंग है जिसके टॉप पॉइंट से द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब होता है ऊपर से नीचे की ओर तरफ जो एंगल बनता है उसे कहते हैं टॉप ऑफ बॉटम, टॉप एंड द बॉटम ऑफ टावर, यानी कि किसी बिल्डिंग के टॉप से किसी टावर के टॉप और उसके बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45 और 60 डिग्री है। तो बताओ हाइट ऑफ टावर क्या होगी। तो देखो, जैसी सिचुएशन बोली हम वैसा फॉलो करते हैं। ये हमारा बेस हो गया, इस बेस पर ये हमारा टावर है। क्वेश्चन बोला गया जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो किसके पॉइंट से है, बिल्डिंग के टॉप पॉइंट से है। तो ये हमारा टावर होगा, इसके टॉप पॉइंट से टावर की जो मेंशन कर रहे हो, टावर के टॉप और बॉटम इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें दे रखा है। अब देखो, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब होता है ऊपर से नीचे की ओर देखना, यानी कि इसके जो टॉप और टॉप से जो एंगल बनाते हैं वो हमें दे रखा है यहाँ पे 45 डिग्री। ये वाला एंगल 45 डिग्री का है। और जब इसके बॉटम को देखते हैं, जब इसके टावर के बॉटम को देखते हैं तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है ये बनता है 60 डिग्री का एंगल। तो बताओ इस टावर की हाइट क्या होगी, और हमें जो बिल्डिंग दे रखी है इसकी हाइट हमें दे रखी है 60 मीटर। यहाँ मेंशन कर देता हूँ बिल्डिंग, और हमें दे रखा है ये 60 मीटर। इसे नाम देता हूँ मैं ए बी सी डी। इसकी जो हाइट है मालूम नहीं है, फाइंड करनी है, इसे एच मान लिया। इसके पैरेलल ही मैंने इस लाइन को कट कर लिया, अगर ये एच है तो ये भी कितनी होगी, एच ही होगी, क्लियर है। तो जो ये मेरा बचा ये वाला पार्ट, इसको नाम देता हूँ ए बी सी डी, इसको नाम दे दिया ई। तो मेरा जो सी ई होगा कितना होगा, टोटल 60 है, एच माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा मेरा 60 माइनस में एच, क्लियर है। कैसे है मैं आपको करके भी दिखाया था। यहाँ पे फिलहाल जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है वो यहाँ में मेंशन कर लेते हैं। हमारे पास गिवन है हाइट ऑफ बिल्डिंग जो हमें दे रखी है बी सी, यानी कि 60 मीटर, और मैंने मान लिया लेट हाइट ऑफ टावर, टावर कौन हमारा ये जिसकी हाइट ए डी है, मैंने इसको मान लिया एच। जितना मेरा ए डी होगा उतना मेरा बी ई होगा, क्योंकि मैंने इसके बिल्कुल पैरेलल ही इसको कट किया है। बी ई और सी ई, बी ई और सी ई, इन दोनों को ऐड करने पे टोटल हाइट बनती है कितनी, 60 मीटर। अगर मेरा जो बी ई है वो एच है तो सी ई कितना होगा, प्लस का एच उधर ही एक्स को आ जाएगा माइनस का, 60 माइनस एच, इस तरीके से मेरा आया। फिर बात की जाए एंगल की, तो यहाँ लिखता हूँ बाय ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। इसके थ्रू ये मेरा अगर यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनता है तो यहाँ पे भी कितना बनेगा, 45 डिग्री का एंगल। क्यों, अगर दो लाइनें पैरेलल हो, ट्रांसवर्सल लाइन किन्हीं दो पॉइंट पर टच करती हो, तो जो बनने वाला एंगल होता है जो अल्टरनेट एंगल होता है, और इसकी कंडीशन में क्या नज़र आती है, जेड, लेकिन तब जब दोनों लाइनें पैरेलल हो। सिमिलरली इसके अंदर भी ये दोनों लाइन मेरी पैरेलल ड्रॉ की गई है, तो ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा, क्लियर है। अब इसे सॉल्व करने के लिए, इसकी हाइट का पता लगाने के लिए हमें इसके बेस का पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं, पहला ट्रायंगल डी सी ई, दूसरा ट्रायंगल सी ए बी। तो दोनों का अगर बेस देखा जाए, ए बी और डी ई, दोनों के दोनों इक्वल हैं, हमें पता लगाना है इसकी हाइट का, तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल का बेस है, जो इसका बेस है वही सेम इसका बेस है, दोनों का बेस क्या है, बिल्कुल सेम है, जितना ये होगा उतना ही होगा। तो इसे मैंने एक्स मान लिया, तो ये भी मेरा कौन होगा, एक्स होगा। मैंने एज्यूम कर लिया लेट जितना ए बी उतना डी ई, जो मेरा एक्स है। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम लेते हैं सी ए बी, इस वाले ट्रायंगल को, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया सी ए बी, ये जो मेरा है वो एक्स है। टोटल हाइट कितनी थी, 60 मीटर, और यहाँ पर एंगल दे रखा था 60 डिग्री। फिर मैंने लिया इनर ट्रायंगल ए बी सी, सॉल्व करने के लिए हमें दो चीज़ों को देखना होता है, पहला क्या हमें गिवन है, दूसरा क्या हमें फाइंड करना है। तो ये हमारे पास गिवन पार्ट हो गया, ये हमें फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया बी सी और ए बी, जो बी सी है हमारा
ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा बेस होगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा बनाता है टेन थीटा, थीटा जो भी यहाँ पे एंगल होता है वो इसका थीटा होता है। तो परपेंडिकुलर है 60, ए बी हमारा एक्स है। अब टेन 60 की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए मैं यूज़ करूँगा ट्रिग्नोमेट्री टेबल का। ये टेबल कैसे बनी है उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना उसे, ठीक है। तो यहाँ पर टेन 60 की वैल्यू कितनी मेरी, अंडर रूट 3। तो मैंने अंडर रूट 3 लिखा, नीचे कुछ नहीं बन मान लिया, इनका करा क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स अंडर रूट 3 एंड 60 मल्टीप्लाई में अंडर रूट 3 है, किस में आ जाएगा डिवाइड में, अंडर रूट कभी डिनोमिनेटर में नहीं रहता, इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया अंडर रूट 3 से, ये हुआ 60 अंडर रूट 3, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3 आया, 3 का इसमें डिवाइड दिया 20, यानी एक्स की वैल्यू आ गई मेरी 20 अंडर रूट 3 मीटर आगे निकल गए। अब हम दूसरे वाले ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे। दूसरा वाला ट्रायंगल मेरा ये वाला था, इसमें मैं दे रखा सी डी ई, ये दे रखा था 60 माइनस का एच, ये एक्स है और ये 45 डिग्री है। इसमें भी हमें वही दो चीज़ देखनी है, सी डी ई क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड करना है। तो ये भी फाइंड करना है, ये भी फाइंड करना, दोनों को ले लिया, सी ई अपॉन में डी ई, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये हमारा बेस हुआ, क्या बनाएगा टेन थीटा, थीटा कितना 45 डिग्री, सी ई हमें दे रखा 60 माइनस का एच, डी ई जो कि एक्स है 10 45 होता हमारे यहाँ पे 1, यहाँ 1 रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 60 माइनस एच, यहाँ आ गया एक्स। फिर मैंने यूज़ किया इक्वेशन 1 का, 60 माइनस एच, एक्स की जगह रिप्लेस कर दिया 20 अंडर रूट 3, प्लस का था इधर किसको आ जाएगा माइनस का, और जो मेरा माइनस का एच था मैं इसको इस तरफ ले गया हूँ, किसको आ जाएगा प्लस का, क्लियर है। ये मेरी होगी हाइट, इन दोनों में 20 कॉमन आ रहा, तो मैंने कॉमन निकाल लिया, 23 जा 60, 21 जा 20, अंडर रूट 3 इज इक्वल टू एच, अब 3 का 3 आ गया, अंडर रूट 3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है कितनी 1.73, तो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया मैंने 1.73 एच 20, 3 में से माइनस किया 1.73 को, तो ये मेरा आ गया 1.27। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20 के साथ, मल्टीप्लाई करने पे आ गया 25.4 मीटर, जो कि मेरी एच की वैल्यू आ गई, और एच मेरा क्या था हाइट ऑफ टावर, तो मैं मेंशन कर देता हूँ इसको कि जो मेरी हाइट ऑफ टावर जिस मैंने स्मॉल एच माना हुआ था वो एक्चुअल में 25.4 मीटर। और इसी के साथ मेरे क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में, ओके बाय बाय, थैंक यू।